अस्सलाम वालेकुम, मैं अंसारी अल्फिया मेहताब और आज सब आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज ये वीडियो मेरी फर्स्ट वीडियो है। मैं चाहती हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैन और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को फिरकी कैसे बनाई जाती वो सिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चार पेपर अलग अलग कलर के और हमें उसे हाफ में मोड़ना है इस तरह से। ऐसे ही हम चारों पेपर को मोड़ देंगे। ऐसे ही हमें चारों पेपर को मैंने मोड़ दियो। अब हम इसे काट देंगे कुछ इस तरह से। एकदम हमें बराबर काटना है, ना कि छोटा बड़ा कुछ भी नहीं करना है, एकदम सही से काटना है बराबर। पॉइंट से पॉइंट तो मैंने ये काट चुकी हूँ। ऐसे ही हम लोग इन तीनों पेपर को भी काट देंगे। तो मैंने ऐसे चारों पेपर को काट चुकी हूँ। अब हम इसे सेट करेंगे। इसके लिए हमें एक पेपर सर्कल चाहिए और एक पेपर लेना है हमें और उसे हमें इस तरह से रखना है। तो एक गम से मैं इसे चिपकाती हूँ। अलग पेपर, अब ऊपर नीचे हमें इनके पेपर रखने। पेपर अब देख सकते हैं मैं जोड़ रहा है, तो आपको भी ऐसे ही जोड़ के रखना है। तो देख सकते हैं मैंने ऐसे ही चारों पेपर को जोड़ दिए। अब हम ये पॉइंट्स जो रहते हमारे, इस पॉइंट्स को हम यहाँ पे जोड़ेंगे इन सभी के साथ। तो शुरू कर दियो। और आपको मेरी वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ना। और आप लोगों को थोड़ी आवाज़ आ रही होगी तो ये मेरी बहन की आवाज़ है जो वीडियो बना रही है मेरी। वो पकड़ी जो कैमरा है वो उसकी बहन पकड़ी है। मतलब तो आप देख सकते हैं मैंने इसे जोड़ चुकी हूँ। तो हम इसके बीच में एक पेपर लगाए सर्कल जो मैंने काट लियो। थोड़ा छोटा लगाइए ना, क्योंकि हमें इसके आगे क्ले भी लगाना है। तो ये मैंने लगा दिए। तो मेरी फिरकी बन चुकी है। और कोई पीछे डंडी लगाना चाहता है तो हम पीछे भी एक डंडी लगाएंगे। तो मैं आपको वो बनाना सिखाती हूँ।
तो मैंने इसके लिए पीछे बनाने के एक पेपर ली हूँ। अब हम उसे फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से, और ध्यान दीजिए ये फोल्ड अच्छे से होना चाहिए हमारी। और अगर आपके पास पेपर नहीं तो आप गन्ने का जो पाइप आता है, पाइप बड़ा पाइप, वो भी यूज़ कर सकते हैं। सॉरी मैं थोड़ी फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ तो नर्वस हो। तो ये मैंने बना चुकी हूँ। अब हम इसके लिए कैंडी लेंगे, एक सामने की दिखा दो। एक कैंडी ली हूँ मैंने, कैंडी के हम अंदर ये पेपर के अंदर हम कैंडी घुसाएंगे स्टोव को से करना। तो मैंने इसके अंदर ये घुसा चुकी हूँ। अब हम सेम टारगेट इसी के अंदर ये घुसाने वाले हैं, तो इसे भी घुसाते हैं हम लोग इसके अंदर। तो ये मैंने बना होल में डाल चुकी हूँ। उसमें होल में डालने से पहले हम लोग थोड़ा क्ले यहाँ पे पूरा लगाएंगे। पहले हम थोड़ा से इसे यहाँ से काट देते हैं कांडे को। अब ये मैं क्ले लेती हूँ। आप लोग कोई सा भी क्ले, नहीं तो आप लोग आटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पर्पल कलर का क्ले ली हूँ। आप लोग में से कोई मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग में से किसे किसे क्ले से खेलना बहुत पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है क्ले से खेलना। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग में से किसे किसे क्ले से खेलना बहुत पसंद है। मुझे मेरी बहन बोलना चाहते है कि उसे भी बहुत पसंद है खेलना, तो आप लोग भी बताइए। ज़रूर कमेंट में बताना आपको भी पसंद है क्ले से खेलना या नहीं। देखिए मेरा क्ले से क्या हाल हो गया। तो अब हम इसे यहाँ से घुसाते हैं इसमें। ये मैंने घुसा दी। अब हमें यही क्ले आगे लगाना है। तो ये मेरा फिरकी बन चुकी है, आप देख सकते हैं। तो ये मेरे बन चुके हैं। बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये छोटा और ये बड़ा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग को दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो में मज़ा आया होगा। मज़ा आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।